हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रसोई हैक्स, द होम ऑफ फटाफट रेसिपीज। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ऑथेंटिक मूली के पराठों की रेसिपी, जो नॉर्मल पराठों से थोड़ा डिफरेंट है। जनरली लोग मूली को ग्रेट करके उसका पानी निकाल कर पराठे बनाते हैं, लेकिन हम इन पराठों को बनाने के लिए मूली का पानी नहीं निकालेंगे और उसके बावजूद ये परांठे अच्छी फीलिंग वाले, पतले और क्रिस्प बनते हैं। मूली के परांठों के लिए हमने मूली को ग्रेट कर लिया है और इसका पानी हमने बिल्कुल भी नहीं निकाला। ये चॉप किया हुआ धनिया, ग्रेट किया हुआ अदरक, सॉल्ट, अजवाइन 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून इसमें हम अमचूर डालेंगे, ये हम देगी मिर्च और लाल मिर्ची को हमने मिक्स कर लिया है और सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। साथ में हमने ये आटा, कुकिंग ऑयल और सूखा आटा लिया है, आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं। तो मूली के परांठे की स्टफिंग के लिए हम सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च चॉप कर कर भी डाल सकते हैं। इसका मसाला हमने रेडी कर लिया है और हाथ पे हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर नॉर्मल परांठे के जैसे इसे पतला और लंबा बेल लेंगे। ये हमने बेल लिया और हाफ में पराठे के में हम स्टफिंग डालकर इसे फैलाकर अच्छे से सब तरफ से बंद कर लेंगे। इसको साइड से बंद करने से सारा मॉइस्चर इसके अंदर ही ट्रैप रहेगा और अब हम तवे पे हल्का सा ऑयल लगाकर इसे सेकने के लिए डाल देंगे और हाथ से फैलाते हुए थोड़ा पतला कर देंगे। मूली का पानी ना निकालने पर इसके सारे फ्लेवर्स इसमें बने रहेंगे। ये एक तरफ से सेक चुका है, अब हम इसे दूसरी साइड से भी इतना ही सेक लेंगे। इसे सब तरफ से हम अच्छे से दबाकर सेकेंगे ताकि आटा पूरी तरह से पक भी जाए और ये फूले भी नहीं। और ऑयल लगाकर इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। इस तरफ भी हम हल्का ऑयल लगा देंगे और ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और मूली का पराठा बनकर खाने के लिए रेडी है। आप इसे चाहें तो बटर के साथ खाएं, घी के साथ या प्लेन दही के साथ भी खा सकते हैं। आई एम श्योर आपको ऑथेंटिक मूली के पराठों की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे बनाएं और अपना फीडबैक हमें दें। हमारे चैनल रसोई हैक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो जल्दी ही मिलते हैं ऐसी ही एक और नई फटाफट रेसिपी के साथ। थैंक यू।